तो पहली बात तो ये, हम सेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है वो। तो ये 8.913 में ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहा है वो। द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मीनिंग है, एक ट्रायंगल मान लीजिए, ट्रायंगल के लिए ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट इज जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। मान लीजिए दो साइड है, ये दो साइड है ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है वो दोनों साइड को जॉइन कर रहा है, वो भी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट समझते होंगे, ये लाइन सपोज मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ए बी पे एक मिड पॉइंट है मान लीजिए ई है, ए सी पे एक मिड पॉइंट है एफ है। तो ई और एफ को जॉइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट वो पैरेलल होगा बी सी से। ये स्टेटमेंट वही बता रहा है कि वो क्या होगा, पैरेलल होगा। दैट मीन्स ई एफ विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड बी सी ठीक है। तो इसका मीनिंग है, मैं एक बार समझा देता हूँ। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, ये दो साइड्स है, वहां पे दो मिड पॉइंट्स है, वो दोनों लाइन सेगमेंट्स का मिड पॉइंट ई एंड एफ है, उसको जॉइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल होगा थर्ड साइड। अब थर्ड साइड तो यही है, तो हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि हर टाइम वो बेस होना चाहिए थर्ड साइड। मैं बता देता हूँ, डिफरेंट केसेस हम लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सपोज मान लीजिए एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, और अच्छे से समझा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है ए बी और यहाँ पे सी है ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सपोज मान लीजिए एक मिड पॉइंट यहाँ पे है, इसका एक मिड पॉइंट यहाँ पे। अगर ये मैं इन दोनों को अगर एक लाइन से पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, ये सीधा पैरेलल होगा किससे, थर्ड साइड से। तो मतलब ये और ये पैरेलल होगा ठीक है। तो ये इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ये है, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ये है। इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो सीधा पैरेलल होगा थर्ड साइड से। अब थर्ड साइड ढूंढने की जरूरत नहीं है, देखो मिड पॉइंट कहां पे, उस लाइन सेगमेंट को दोनों को छोड़ दो, थर्ड साइड वही होगा ठीक है। बीसी हमारा थर्ड साइड, जरूरी नहीं है कि वो बेस होना चाहिए, इसलिए मैंने ये केस ले लिया ठीक है। ऐसे ही तुम दूसरा केस भी ले सकते हो, यहाँ पे ए है बी है सी है, मान लीजिए यहाँ पे एक मिड पॉइंट है और यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है दो मिड पॉइंट पे, तो विच विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, दैट इज नथिंग बट दिस साइड। देखने से ही पता चल रहा है ना, ये और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा ठीक है। तो इस केस में मैं बता सकता हूँ कि ई एफ मान लीजिए, यहाँ पे भी ई एफ ले लीजिए, तो ई एफ पैरेलल टू यहाँ पे बी सी और यहाँ पे ई एफ पैरेलल टू ए बी ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस तुम ले सकते हो। तो तुम्हें जस्ट समझ में आना चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम 8.9 से क्या बता रहा है थ्योरम, कि जो भी लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं दो मिड पॉइंट पे, जो कि दो लाइन सेगमेंट पे होगा, तो तीसरा साइड से वो पैरेलल हो जाएगा। जो भी लाइन सेगमेंट तुमने बनाया हो, तीसरा साइड से पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते 8.10, वो भी थोड़ा सिमिलर है इससे। तो अब 8.10 पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ गया होगा कि क्या हो रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ठीक है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, एक एक मिड पॉइंट है ठीक है। ध्यान दीजिए, ये एक साइड में एक मिड पॉइंट है। तो लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड का मिड पॉइंट अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज पैरेलल टू द थर्ड, नहीं तो अनदर साइड ठीक है, विच इज पैरेलल टू द अनदर साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। दैट मीन्स थर्ड साइड यहाँ पे ये वाला साइड है। और अच्छे से समझाने के लिए मैं, तो देखिए मैं सेपरेट से बना देता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये ए है बी है सी है। अब ध्यान दीजिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक मिड पॉइंट ले लेता हूँ ए बी पे, ई है मान लो ठीक है। अब देखिए एक लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा ठीक है, ऐसे जा रहा है, जो पैरेलल है इस लाइन से, अनदर लाइन, इससे पैरेलल तो हो नहीं सकता, तो इस लाइन से वो पैरेलल है, ऐसे जा रहा है, वो बाइसेक्ट करेगा थर्ड साइड पे। अब ये थर्ड साइड बी सी हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे भी मिड पॉइंट फॉर्म हो जाएगा। देखो 8.9 से थोड़ा रिलेटेड है, बट ये थ्योरम 8.10 है ठीक है, थोड़ा रिलेटेड है। तो रिलेटेड कैसे है कि उसमें क्या बता रहे थे 8.9 पे,
कि दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल होगा थर्ड साइड से। बट इस थ्योरम में क्या बोल रहे, कोई भी लाइन अगर जाएगा किससे, एक मिड पॉइंट से जो कि एक लाइन में होगा, एक साइड में होगा जो पैरेलल है इससे, तो गिवन क्या है यहाँ पे कि एक मिड पॉइंट है एक पैरेलल लाइन, तो बाइसेक्ट करेगा थर्ड साइड से। एक और केस लेते हैं हम, ए बी सी मान लीजिए, ये मेरा मिड पॉइंट है ठीक है, ई मान लीजिए इस साइड पे। अब ये ऐसा मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, कहीं से भी ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, चलो ऐसे ड्रॉ करते हैं। ऐसे लाइन जा रहा है जो कि है पैरेलल से अनदर साइड, अनदर साइड ये वाला ठीक है, ये वाला साइड ये पैरेलल है इससे, ऐसे जाएगा, वो बाइसेक्ट करेगा थर्ड साइड। अभी देखिए थर्ड साइड कौन सा है, बी सी होगा थर्ड साइड, तो यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा मीन्स ये भी मिड पॉइंट फॉर्म हो गया ठीक है। तो ये केस हो गया। तो मैं बता देता हूँ कि 8.9 पे क्या गिवन था। गिवन ये था कि दो मिड पॉइंट गिवन थे ठीक है, टू मिड पॉइंट्स। हमने क्या प्रूफ कर दिया, प्रूफ नहीं मतलब स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, पैरेलल टू द थर्ड साइड ठीक है, क्या होगा पैरेलल होगा। अब 8.10 में क्या गिवन है, वन मिड पॉइंट और पैरेलल भी गिवन है। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि वो बाइसेक्ट करेगा थर्ड साइड पे, दैट मीन्स वहां पे भी एक मिड पॉइंट आ जाएगा, वन मोर मिड पॉइंट ठीक है। तो इसमें तुम्हें ध्यान देना, देखो एकदम एकदम सिमिलर थेरा में ये दोनों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे गिवन क्या है वो सब क्या है, बस ध्यान दीजिए कि जैसे इसके बेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक ले लेते हैं ठीक है।